नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फुलफंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सूजी से बने राजभोग की रेसिपी लाई हूं। इसके लिए मैंने सबसे पहले लगभग 200 ग्राम सूजी लिया है और मैंने 4 या 5 डाइजेस्टिव बिस्किट लिया है। मैंने 5 डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं, साथ ही मैंने 2 टीस्पून भर के मिल्क पाउडर लिया है। और अब मैं सभी को अच्छे से मिक्स करूंगी। डाइजेस्टिव बिस्किट आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने 1 चम्मच चीनी लिया है। डाइजेस्टिव बिस्किट आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। और इसे हमें ग्राइंडर में ग्राइंड भी नहीं करना है क्योंकि ये खुद ही गल जाते हैं। अब हम इसमें लाइट गर्म पानी डालेंगे, हल्का गर्म, जिसमें कि हमारी सूजी भी बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए और हमारे बिस्किट भी अच्छे से सूजी के साथ मिक्स हो जाए। इसे इसमें अंदाज से धीरे धीरे करके पानी बनाएंगे क्योंकि हमें इसका गाढ़ा बैटर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं, बहुत ही गाढ़ा बैटर तैयार करना है। और इसे हम दोनों हाथ से, एक हाथ से पकड़ के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाती है क्योंकि बिस्किट थोड़े से पानी में जाते ही वो पूरी सौगी हो जाती है। इसे अच्छी तरह से मिला लेना है फ्रेंड। इसे हम लोग देखिए, अभी मेरी घोल काफ़ी गाढ़ी है, इसमें हम धीरे धीरे अंदाज के हिसाब से पानी देंगे। मैंने पहले भी बताया है, हमें घोल को काफ़ी पतला नहीं करना है, मीडियम रखना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे जिसमें कि हमारे सभी बिस्किट के टुकड़े अच्छे से सूजी में मिक्स कर जाए और कोई लम्प्स न रहे। देखिए अभी पूरी तरह हमारे पानी को सूजी और बिस्किट ने सोख लिया है। इसे हम लोग थोड़ा सा पानी अंदाजा अनुसार हम डालेंगे। देखिए मेरी बैटर अभी भी काफ़ी थिक है, इसे हमें बहुत पतला नहीं करना है। अब हमारे लगभग सारे बिस्किट मिल चुके हैं सूजी के साथ। ये बहुत ही झटपट बनने वाली मीठी रेसिपी है, ये इंस्टेंट बनती है। आपके घर में कोई भी आए हुए मेहमान, आपके पास तो बिस्किट रहते ही होंगे मीठे वाले, आप इसे मिक्स करके तुरंत ही बना सकती हैं। साथ ही किसी को पता भी नहीं चल पाता है कि इसमें क्या मिक्स है। हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। देखिए अब हमारे मिक्सचर अच्छी तरह से मिलकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें मैं किशमिश डालूंगी, 1 हैंडफुल मैं इसमें किशमिश डालूंगी। आप चाहें तो कोई और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। देखिए अब हम लोग फिर से घोल को अच्छी तरह मिला लेंगे। हमारी बैटर देखिए गाढ़ी है, एकदम पतली नहीं है।
अब इसमें मिल जाने के पश्चात इसमें हम थोड़ा सा इनो भी डाल देंगे। हम लोग पहले इसे थोड़ा देर के लिए स्टैंडिंग टाइम देंगे जिसमें हमारी सूजी भी अच्छी तरह फूल जाए, और हम तब तक चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने आधा कप पानी लिया है और लगभग आधा कप ही मैं शुगर केन लूँगी, बल्कि आधा कप से थोड़ा कम ही मैंने शुगर लिया है, और हम इसकी चाशनी बना लेंगे। इसकी चाशनी बन जाएगी। देखिए हम बीच बीच में चाशनी को चलाते रहेंगे। हमें चाशनी के लिए कोई तार नहीं बनानी है, बस हमारी चाशनी में चीनी पिघल जाए उसके बाद हम इसे दो तीन बॉयल देके उतार लेंगे। हमें अपनी चाशनी को बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखनी है। देखिए अब चाशनी अच्छे से बॉयल होने लगी है। इसमें मैंने थोड़ा सा केसरिया रंग मिलाया है। केसरिया रंग मिला के हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप चाहें तो कलर डाल भी सकती हैं, अन्यथा आप कलर नहीं भी डालें। अब हम इसे मिलाते हुए उतार लेंगे। हमारी चाशनी काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो गई है और अब हम लोग जिसमें हमें बनाना है अप्पा पात्र को चढ़ा देंगे। हम लोग इसी में अपने सूजी और बिस्किट का जो हमने घोल बनाया था हमें इसी में बनाना है। पहले इसका पानी सुखा लेंगे, उसके बाद ब्रश से हम इसमें ऑयलिंग कर देंगे। देखिए हमने अच्छी तरह से
पहले इसे पैन को अप्पा पैन को गर्म कर लिया है और अब हम इसे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और ऑयल लगाने के बाद हम इसमें अपने मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। अब मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल को स्प्रेड कर दिया है। अब इसमें हम लोग एक से डेढ़ चम्मच घोल डाल देंगे। पहले ऑयल थोड़ी गर्म हो जाए उसके बाद हम लोग इसमें ऑयल डाल देंगे, घोल डाल देंगे। देखिए मैंने घोल जो बना के रखी थी वो काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो गई है, हमें इसे बिल्कुल भी लिक्विड नहीं करना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा इनो फ्रूट सॉल्ट मिला देंगे जिससे हमारी बैटर काफ़ी हल्की हो जाए। और उसके बाद हम इसे फेंटते हुए अच्छी तरह से अप्पा पैन में डाल देंगे। देखिए मैंने लगभग पौन टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून मैंने इसमें इनो को डाला है, लगभग दो चुटकी मैंने इनो को डाला है और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। जिससे हमारी बैटर बहुत ही हल्की हो गई है और अब मैं एक स्पून की सहायता से इसे अप्पा पैन में डाल दूंगी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्लिप हमारी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैंने इसे चम्मच के साथ, देखिए फ्रेंड्स मैंने एक स्टिक से लेके धीरे धीरे सबों को पलट दिया है। देखिए कितने अच्छे सुनहरे लग रहे हैं और इनमें कितना होल है जिससे ये पूरे मैंने जो चाशनी बनाया है ये पूरा उसमें सोख हो जाएंगे। देखिए इनको मैंने ठीक से पलट दिया है और पलटने के बाद हम फिर से 1.5 से 2 मिनट तक इन्हें छोड़ देंगे जिसमें ये नीचे से भी पूरे सिक जाए। देखिए इसमें ऑयल कुछ भी नहीं लगा है, केवल हमने इतना ही डाला था जिससे कि ये अच्छे तरह से सिक जाए। और देखिए ये कितने सुनहरे और कितने अच्छे लग रहे हैं, उतने ही खाने में भी मज़ेदार हैं। अब मैंने हल्का हल्का इसमें ब्रश से ऑयल ब्रश कर दिया है जिससे कि ये देखने में और खाने दोनों में बढ़िया लगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही जल्दी बनते हैं, साथ ही बहुत ही टेस्टफुल है। आपके घर में कोई भी गेस्ट आ जाए आप इन्हें तुरंत बनाकर मीठे के रूप में सर्व कर सकती हैं। हम सभी के घरों में डाइजेस्टिव बिस्किट तो रहते ही हैं और सूजी भी रहता है। हर बार सूजी का हलवा बना के देने से बेहतर है कि हम इस तरह की कोई दूसरी डिश बना के उनके सामने दें और वो खा के बहुत ही खुश हो जाएं। इनका टेस्ट बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा लगता है और देखने में भी ये उसी तरह से लगते हैं, लेकिन ये फ्राइड बिल्कुल नहीं है। अब मेरी राजभोग बिल्कुल तैयार हो गई है, अब मैं इसे चाशनी में डाल दूंगी। देखिए मैं एक एक टूथपिक से उतार ले लूँगी और उसे चाशनी में डालती जाऊँगी। चाशनी हमारा मीडियम गर्म है
इसके लिए हमें बहुत गर्म चाशनी की भी आवश्यकता नहीं है और ना बहुत ठंडी होनी चाहिए, मीडियम रहना चाहिए फ्रेंड। और हमने चाशनी में भी कोई तार नहीं बनाई है, तार बनाने से फिर हमारे जो राजभोग है वो चाशनी को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इसलिए हमें चाशनी को भी मीडियम रखना है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट हैं। हम इसे पहले छोड़ के 15-20 मिनट छोड़ देंगे जिसमें इस बढ़िया से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लें, उसके बाद सर्विंग भी इसमें डाल देंगे और ऊपर से बचे हुए चाशनी को डाल के फिर हम लोग ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने राजभोग को कैशूनट से डेकोरेट कर दिया है, ये अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है और बहुत ही टेम्पटिंग है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थम्सअप भी ज़रूर दबाइएगा। तब तक मैं नई रेसिपी लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।